कौन बुनियाद पर वोट कर वो? हाँ, कौन बुनियाद पर वोट डालेंगे आप? अरे कोई बिजली पानी रखा क्या है, कारोबार, ये सब बेकार बात है। मुसलमान लोगों तो सब किडनी बनाते हैं जी, उनको जरूरत है वो ले लिया, बाद में लात मार दिया। नहीं चाहे वो चाहेगा। अच्छा ये छोड़िए, पिछले तीन साल में, पिछले तीन साल जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, मोदी यहाँ के MP भी है, विकास कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। क्या विकास हुआ? गंदगी हद कर देगी, उसी तरह की रोड की हालत आप देखिए, बिल्कुल पानी गंदा हर घर में आ ही रहा है। क्या पानी का हाल क्या है यहाँ पे आपके यहाँ मदनपुरम? आए दिन सीवर का पानी चला आता है, पैसा तो क्या विकास माने, क्या अच्छाई समझे? अच्छा, क्षेत्र के विधायक से आप लोगों ने कभी कहा? विधायक से मुलाकात नहीं होती है? विधायक से मुलाकात हो गई? हाँ हो जाएगा, या नहीं? गली की हालत देख ही रहे आप। अच्छा एक चीज बताइए, कभी इस बात को लेकर के आप लोगों को लगा कि नहीं लगा कि बनारस में जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, जो विधायक है वो धर्म के आधार पर लेकर भेदभाव करते हैं, ऐसा कभी लगा? जो विकास कार्य है उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, ऐसा कभी लगा आपको? अरे हमारे एरिया में तो ऐसा कोई खास, हालांकि शिवाला में रहते हैं, जी बस्ती है जी, धर्म के आधार पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। पिछले पाँच सालों में अखिलेश यादव ने कुछ काम किया कि नहीं किया? अखिलेश यादव को जो TV में देखते हैं तो वो हमको तो लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत अच्छा किया। तो TV में देखते हैं? हाँ। ऐसे वास्तव में कुछ दिखाई देता है बनारस में आप लोगों को? ऐसे पेपर में हमने पढ़ा कि ये जलकर क्या बोलते हैं 23 अरब रुपया, 17 अरब रुपया, ऐसे लमसम ऐसे 3 तरह का वहाँ रुपया है। 9 बरस पहले पड़े थे और हाथ कब लगाए? 7-8 बरस बाद। रुपया आने पर 7-8 बरस बाद हाथ लगता है। अब उसके बाद जो जो काम होता है वो 10 बरस चलता है। एक तरफ से कुछ सुधार होता है, दूसरे तरफ कुछ बर्बादी। देखिए आपको क्या लगता है, अगर आप अपने विधायक से क्या चाहेंगे, आपका जो विधायक है क्या मांगेंगे बताइए? रोजी रोटी से, रोजी रोटी से क्या चाहिए? रोजी रोटी का हाल क्या है आपके मुर्तली का? क्या बहुत सही साहब बता रहे हैं, वही खा लेंगे का चले थे राम मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता के बीच में आओ, दोनों के लिए। एक चीज बताइए, साड़ी के रोजगार का क्या? साड़ी के रोजगार में तो अगर हालत खराब बनी है 2-2.5 साल से, 8 साल पहले चीज में मंडी चले थे रही कांग्रेस रही सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा रहे हैं, रामनगर का जो दरिया ऊपर ब्रिज हुआ अखिलेश जी बनवा रहे हैं अखिलेश। मगर ये 5 बरस पहले जब हम गए तो मालूम ये हुआ कि अगले साल तैयार हो जाएगा, फिर दो उसके 3 बरस बाद के पिछले साल बकरीद पर गए थे, कल वो गाडर गिर गई तो उसमें काम रुका पड़ा है। अगर गाडर गिर गई तो उसी दिन निकलना चाहिए ना, उसी दिन। बिल्कुल, कल कलकत्ता जो किरान आई कलकत्ता से, तो हैदराबाद बनाओ बड़ी, उसे बोली वहाँ की किरान है। बिल्कुल सही, आस पास का सब बन चुका है, खाली जीत का फसल ज्यादा बाकी है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव एक सीट रही दूसरी गई यहाँ बनारस में, दूसरी सीट आई वहाँ का बाईपास बन रहा है, जो मिर्जापुर तक मिल रहा है, समाजवादी काम तो दिखा रहे हैं, उनका कौन काम दिखा रहा है? अच्छा ये बताइए, मुसलमानों ने यहाँ की तय कर लिया है वोट किसको देना, अभी तय करना बाकी है? सब में जाएगा, सब में जाएगा, सब में जाएगा। अच्छा एक बड़ा सवाल, बड़ा अजीब सा है, क्या ऐसे लोग भी हैं जो मोदी के राज को पसंद करते हैं? ये बैठे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तारीफ ही करते रहते हैं, तारीफ करते रहते हैं। मोदी ने बनारस को कुछ दिया है क्या, ऐसा कुछ कुछ नजर आता है क्या आपको? जागरूकता दी है, जागरूकता दी है क्या? सोए हुए पब्लिक को जगाया है, सोए पब्लिक को जगाया फिर से जाना चाहिए। मोदी ने बनारस को क्या दिया? मोदी ने जागरूकता दी है। क्या जागरूकता? के अंदर ये एहसास दिया है जी कि कम से कम हमारे पास जो अधिकार है उसको हम कहाँ यूज करें, ये एहसास है। शुक्रिया आप लोगों, बताएं बताएं। मोदी ने नोटबंदी, अधिकार है जिससे पूछ रहा वो क्या करे, बड़ा अच्छा किया, अच्छा पब्लिक कितनी परेशान हुई। बिल्कुल, अब तो पब्लिक में इंतहा पूरा ऑल ओवर इंडिया की हो गई जी, जी। अब पब्लिक का जो पूछा जाता है तो वो कहता हम परेशान नहीं है, ये समझ ही में नहीं आती है बात, सारी पब्लिक परेशान है, कितने लोग मर गए। बिल्कुल बिल्कुल, और गाड़ी के धंधे को नोटबंदी से कितना नुकसान पहुँचा है? बहुत ज्यादा, 90% बहुत ज्यादा। जो टूंड प्लान कर गए, प्लान कर गए, ये मदनपुर की आबादी फट की दी कि 2 लाख 2 लाख की है,
बिल्कुल यही दस बरस से क्यों चले गए साड़ी के धंधे पर कितना असर पड़ा भैया नोटबंदी से? आप बताएं सारे धंधे पे कितना असर पड़ा? क्या बताया? खत्म हो गया, धंधे की जरूरत नहीं। अब या तो गिलास धोया जाएगा या झाड़ू, दो ही काम है, सफाई अभियान या जो है कटोरा, बस वही धंधा बचा हुआ। दो धंधा है।